All right, friends, राधे राधे. सो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर नंबर 8 ओनली. अभी तक हम लोगों ने क्या किया था फ्रेंड्स, हम लोग रिस्क एंड एनालिसिस कर रहे थे, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी हम लोग कर रहे थे, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी वाला पार्ट हम लोग कर रहे थे. पहले अपन लेते थे एक्स, एक्स में से अपन एक्सपेक्टेड वैल्यू माइनस करके स्क्वायर करके इनटू प्रोबेबिलिटी करते थे, तो हम लोग को क्या मिलता था, वेरियंस, राइट. रूट ऑफ वेरियंस करेंगे हमको क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन. और स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद अपने को चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मींस योर स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय योर एक्सपेक्टेड वैल्यू. यहाँ तक अपन ने लास्ट टाइम किया था, सही है सोनो फ्रेंड्स. पहले रिस्क एंड अनसर्टेनिटी में हम लोग क्या निकालेंगे, वेरियंस मीन्स एक्स का वैल्यू फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू. नाउ व्हाट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू मीन्स योर वैल्यू मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी, वैल्यू मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी. ये आपका हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेड वैल्यू. ठीक है, सो टुडे वी आर स्टार्टिंग. नाउ यू रिफर द सेम, वी विल कंटिन्यू पेज नंबर 8.16, पेज नंबर 8.16. वेरी सिंपल हम लोग किए थे इसमें ना, सर्टेनली इक्विवेलेंट वाला कंसेप्ट हमारा चल रहा था, सर्टेनली इक्विवेलेंट. ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 8.16. क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 8.16. गिरी लिमिटेड इज यूजिंग सर्टेनली इक्विवेलेंट, मीन्स सर्टेनली इक्विवेलेंट का मतलब यह है कि इतना तो सर्टेन है, अपने को ये तो मिलेगा ही मिलेगा. अप्रोच इन इवेल्युएशन ऑफ रिस्की प्रपोजल्स, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ए न्यू प्रोजेक्ट इज एज फॉलोज. ईयर 0, 1, 2, 3, 4, 5 आपको एक्सपेक्टेड कैश फ्लो है, सर्टेनली इक्विवेलेंट है. रिस्कलेस रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी 6%, डिटरमाइन वेदर द प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड और नॉट. ओके, तो इज अ वेरी सिंपल करके ना, इट मीन्स दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग नेट प्रेजेंट वैल्यू, राइट. दिस इज योर नेट प्रेजेंट वैल्यू, दिस इज योर ईयर एक्सपेक्टेड कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाई सर्टेनली इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई बाई डिस्काउंटिंग फैक्टर एंड यू विल गेट द प्रेजेंट वैल्यू. ऑल राइट, इट मीन्स 0, 1, 2, 3, 4, 5 आउटफ्लो 4 लैक्स 100% है आज की डेट में वैल्यू है, इसका मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो क्या हो जाएगा आपका 4 लैक्स. देन 3,20,000, 2,80,000, 2,60,000, 2,40,000, 1,60,000. सर्टेनली इक्विवेलेंट है 0.8, 0.7, 0.6, 0.4, 0.3. इसका मतलब इतना पैसा तो अपने को मिलेगा ही मिलेगा, सर्टेनली इक्विवेलेंट मीन्स इतना पैसा हम लोग को मिलेगा ही मिलेगा मल्टीप्लाई बाई डिस्काउंटिंग फैक्टर. ये कब मिलेगा, ये मिलेगा अपने को 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, तो आज की डेट में उसका क्या वैल्यू है. ओके, सो यू टेक डिस्काउंटिंग फैक्टर 100 डिवाइडेड बाई 106 इंटू is 0.943, then equal to 0.889, or you can say 890, then 0.840,
then 0.792 and then 0.747. Okay, it means 320,000, your 320,000, 320,000 into 0.8 into 0.943 is 2,41,408, 280 into 0.7 into 0.890, 174,440, then 2,60,000 into 0.6 into 0.840 is 131,040. Then 2,40,000 into 0.4 into 792, 76,032. 1,60,000 into 0.3 into 0.747. 35,856. Okay, so your total will be 241,408 plus 174,440 plus 131,040 plus 76,032 plus 35,856. This comes to 658,776 minus 4 lakhs rupees is your outflow. So 258,776. This will be your net present value. Or if it is positive, we should accept the proposal. It's a very easy question, na friends. I'll repeat once again. Giri Limited using certainly equivalent. Certainly equivalent means इतना पैसा तो हमें मिलेगा ही मिलेगा करके ना. Certain है, certainly equivalent means certain है. Equivalent of risky proposals. The following information regarding a new project is as follows. 0 year. आपका कितना पैसा जा रहा है? 4 lakh. Certain है, जाएगा ही. वो तो आपको पता ही है. 4 lakh. और आज की date में उसका क्या value है? 4 lakh. Because you are paying in 0 year. उसके बाद first year में आपको मिलेगा 3,20,000. Second year में आपको मिलेगा 2,80,000. Third year में आपको मिलेगा 2,60,000. फोर्थ ईयर में आपको मिलेगा 2,40,000. फिफ्थ ईयर में आपको मिलेगा 1,60,000. सर्टेनली इक्विवेलेंट उसका क्या है? 0.8, 0.6, 0.4, 0.3 मल्टीप्लाई बाय द डिस्काउंटिंग फैक्टर. आपको क्या आ जाएगा? दिस इज योर प्रेजेंट वैल्यू. प्रेजेंट वैल्यू. ओके, सो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो अगर आप करेंगे और प्रेजेंट वैल्यू अगर आपकी पॉजिटिव है तो यू शुड एक्सेप्ट द प्रपोजल. इट मीन्स दिस इज एक्सेप्टेड. Accepted. Say yes or no. Follow. Or right or not. Proper. एकदम easy question था ना friends आपको. आपको outflow दे रखा था 4 lakhs rupees और ये आपको inflows दे रखे हैं. Certainly equivalent है. डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके अगर पॉजिटिव आता है तो यस और नो, अदरवाइज नो. बोलो. ऑलराइट फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है? बोलो. नाउ वी कैन टेक योर क्वेश्चन नंबर 3 एंड पेज नंबर 8.18. क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 8.18 देखेंगे फ्रेंड्स. क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका जो लेटेस्ट आईसीआई मॉड्यूल है, जो आईसीआई का जो लेटेस्ट मॉड्यूल है वो मैंने डीकेसी फॉर्मेट में पूरा सॉल्व किया हुआ है. क्वेश्चन 3 पेज नंबर 8.18. द टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, द टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड इज कंसिडरिंग वन ऑफ द टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स प्रोजेक्ट एम एंड एन which requires cash outlay of 8,50,000 और 825. दो mutually exclusive project हैं M and A.
एम में आपका कितना पैसा जाएगा 8,50,000 और एन में आपका पैसा कितना जाएगा 8,25,000। द टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड इज कंसिडरिंग वन ऑफ द टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स प्रोजेक्ट एम एंड एन विच रिक्वायर्स कैश आउटले ऑफ 8,50,000 8,25,000 रेस्पेक्टिवली। द सर्टेनली इक्विवेलेंट अप्रोच इज यूज इन इनकॉर्पोरेटिंग रिस्क इन कैपिटल बजटिंग डिसीजन। द करेंट यील्ड ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स इज 6%। दिस यूज एज ए रिस्क फ्री रेट। द एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो देयर सर्टेनली इक्विवेलेंट आर एज फॉलोज। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर वही 6% है उसका एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर आपको दे रखा फर्स्ट ईयर में 0.943890, तो कैलसी पे करोगे तो अभी आपको आ जाएगा 0.8401। एनालाइज विच प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। इफ द रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट मेथड इज यूज आइडेंटिफाई विच प्रोजेक्ट वुड यू अप्रेज एज विद हायर रेट एंड वाई। ओके तो फर्स्ट क्या करेंगे, एनालाइज विच प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। इट मीन्स दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग योर एनपीबी क्या क्या दे रखा है फ्रेंड्स, स्टेटमेंट शोइंग योर एनपीबी प्रोजेक्ट एम एंड प्रोजेक्ट एन। Alright friends, this is your project M and project N. Here. कैश फ्लो इंटू सर्टेनली इक्विवेलेंट इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर यू विल गेट प्रेजेंट वैल्यू। कैश फ्लो सर्टेनली इक्विवेलेंट डिस्काउंटिंग फैक्टर विल गिव यू द प्रेजेंट वैल्यू। क्या पूछ रहे हैं फ्रेंड्स, स्टेटमेंट शोइंग एनपीबी, एनपीबी के बेस पर ही हम लोग डिसीजन लेंगे। ये आपके पास दो हैं, प्रोजेक्ट एम प्रोजेक्ट एन, ईयर कैश फ्लो सर्टेनली इक्विपमेंट डिस्काउंटिंग फैक्टर पीबी, कैश फ्लो सर्टेनली इक्विपमेंट डिस्काउंटिंग फैक्टर एंड पीबी। सही है सुनो फ्रेंड्स, तो आपका एट द अब आपका आउटफ्लो है इन ईयर जीरो। व्हाट इज योर आउटफ्लो, 8,50,000 इंटू वन विल बी 8,50,000। ओके एन में आपको दे रखा है फ्रेंड्स 825 इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर वन 825। अब उससे आपको इनफ्लो मिलेगा 1, 2 एंड 3 में, आपको इनफ्लो मिलेगा 1, 2 एंड 3 में। फर्स्ट ईयर में आपको मिल रहा है 450, 5 lakhs, 5 lakhs। अब ये मिलने का क्या चांसेजेस, व्हाट इज द सर्टेनिटी, सर्टेनिटी इज 0.8, 0.7 एंड 0.5। ये सर्टेनिटी है और उसका प्रेजेंट वैल्यू आज की डेट में फैक्टर क्या है, 0.943, 0.8
890.840. It means your 450 into 0.8 into 0.943. 339.480. 5 lakhs into 0.7 into 0.890. 311,500. 311,500. Then 5 lakhs into 0.5 into 0.840. 210,000. Say yes or no. All right. अभी आपका क्या हो जाएगा? This will be your 339,480 plus 311,500 plus 210,000 minus 850,000. आपका NPV आएगा 10,980. Are you getting or not, friends? क्या है देखो, जीरो ईयर में आपका आउटफ्लो है 850,000. वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोजेक्ट एम. आज की डेट का वैल्यू क्या रहेगा? फिक्स 1, प्रेजेंट वैल्यू इज 1. से यस ऑर नो फ्रेंड्स. देन आपको इनफ्लो आएगा 450,000, 5 लाख, सर्टेनली इक्विवेलेंट. 450,000 का चांसेस क्या है, सर्टेनिटी क्या है? 0.8, 0.7, 0.5. और आज की डेट में इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर आपको दे रखा है, तो आपको वैल्यू निकल के आ जाएगा एंड दिस विल बी योर एनपीवी. सिमिलरली यू कैन गो फॉर प्रोजेक्ट एन. इट मींस 4 लाख 50, 5 लाख. इतना पैसा मिलेगा एक साल के बाद, दो साल के बाद, तीन साल के बाद, लेकिन चांसेस क्या है, मिल ही जाएगा. 0.9, 0.8 एंड 0.7. लेकिन ये अपने को मिलेगा एक साल के बाद, ये दो साल के बाद, ये तीन साल के बाद. आज की डेट में इसका क्या वैल्यू है, इसका मतलब मल्टीप्लाई बाई डिस्काउंटिंग फैक्टर 0.943, 0.890, 0.840. It means 4 lakh 50 into 0.9 is 4 lakh 5. 4 lakh 50 into 0.8 into 0.890, 320,400. And 5 lakh into 0.7 into 0.840 is 294,000. 4 lakh 5, 320,400, 294,000 is 4 lakh 50 into 0.9. Oh, sorry. We have to multiply by discounting factor also, na? Discounting factor से तो भूल गए ना, multiply करना. 450 into 0.9 into 0.943 is 381,915. 4 lakh 50 into 0.8 into 0.890, 320,400. Then 5 lakh into 0.7 into 0.840, 294,000. All right. Plus 320,400 plus 381,915.
996315, 996315, ओके देन, और इसमें से अपन माइनस कर देंगे ना इसको, माइनस 825,000 आपका आएगा 171 and 315, ये आपका क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, एनपीवी। बोलो 825, एक साल के बाद 450, 455 लाख इन टू सर्टेनली इक्विवेलेंट, कितना पैसा अपने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये कब मिलेगा, एक साल के बाद। तो आज की डेट में इसकी क्या वैल्यू है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय द डिस्काउंटिंग फैक्टर, मल्टीप्लाई बाय द डिस्काउंटिंग फैक्टर, सही है सुनो फ्रेंड्स। सो सिंस द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट एन इज हायर, किसका नेट प्रेजेंट वैल्यू है, इसका ओनली दे रखा है 10,980 और इसका दे रखा है 171315, इसका हायर है, एन का एनपीवी क्या है, हायर, इसके लिए एन को अपन क्या करेंगे, एक्सेप्ट। आगे क्या बोला, इफ रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट मेथड इज यूज, इफ रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग फैक्टर, डिस्काउंटिंग रेट, रडार बोलते हैं इसको, RADR, रडार इज यूज, देन सर्टेनली इक्विवेलेंट। अब देखो M का कितना है और N का कितना है, M का सर्टेनली इक्विवेलेंट है 0.8 प्लस 0.7 प्लस 0.5, ओके, और इसका है 0.9, 0.8 प्लस 0.7, 0.8, 0.7, 0.5 is 2 है, और इसका है 0.9 प्लस 0.8 प्लस 0.7, 2.4 है, समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। जो सर्टेनली इक्विवेलेंट है, सर्टेनली इक्विवेलेंट M का कितना है, 2 ही है, जबकि इसका कितना है 2.4, इसका मतलब ये ज्यादा अच्छा है, इसमें ज्यादा आपकी सर्टेनिटी है, सर्टेनली इक्विवेलेंट। नाउ सी द सॉल्यूशन, आईसीआई सॉल्यूशन, सर्टेनली इक्विवेलेंट सी कोएफिशिएंट ऑफ प्रोजेक्ट M इज 2 इज लोअर देन द प्रोजेक्ट N इज 2.4, दिस मीन्स प्रोजेक्ट M इज रिस्की, ये ज्यादा रिस्की है आपका, ये ज्यादा रिस्की हो जाएगा, रिस्की, दिस मीन्स प्रोजेक्ट M इज रिस्कियर देन N, एज हायर द रिस्कनेस ऑफ कैश फ्लो द लोअर विल बी द सी फैक्टर, इफ द रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट मेथड इज यूज, प्रोजेक्ट M वुड बी विद द हायर रेट, तो अपन ये कंसिडर एज ए हायर रेट, से यस ऑर नो फ्रेंड्स। इफ द रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट रडार मेथड इज यूज, प्रोजेक्ट M वुड बी अप्राइज्ड विद ए हायर रेट, बिकॉज आर यू गेटिंग, दिस मीन्स प्रोजेक्ट M इज रिस्कियर देन प्रोजेक्ट N, हायर द रिस्कनेस ऑफ कैश फ्लो द लोअर विल बी द सर्टेनली फैक्टर, इफ द रिस्क एडजस्टेड रडार मेथड इज यूज, प्रोजेक्ट M वुड बी अप्राइज्ड एज ए विद हायर रेट, बिकॉज सर्टेनली इक्विवेलेंट, से यस ऑर नो, ओके। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ ICI, ऑलराइट। ऑलराइट, अब आप आ जाइए फ्रेंड्स योर इलस्ट्रेशन 12 पेज नंबर 8.15।
देखो ये भी एकदम सिंपल है, डिटरमाइन द रिस्क एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट। मिला फ्रेंड्स, इलस्ट्रेशन 12 पेज नंबर 8.15। इलस्ट्रेशन 12, डिटरमाइन द रिस्क एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स। नेट कैश आउटफ्लो 2,10,000 फॉर एक्स, 120 फॉर वाई, 1,00,000 फॉर जेड। प्रोजेक्ट लाइफ है 5 ईयर्स 5 ईयर्स 5 ईयर्स। एनुअल कैश इनफ्लो है 70,000, 42,000, 30,000। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है 1.2, 0.8 एंड 0.4। द कंपनी सेलेक्ट द रिस्क एडजस्टेड रेट ऑफ डिस्काउंट ऑन द बेसिस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। नाउ एक्स, एक्स आपका क्या है, एक्स है आपका रिस्क, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपका है 1.2। इसका मतलब 1.2 पे आप देखिए, 1.2 कहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट आपका लगेगा 16%, और 16% का क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर आ रहा है आपका, 16% का क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर 3.274। आपको ये देखना है इस क्वेश्चन के अंदर, आपको क्या देखना है इस क्वेश्चन के अंदर, आपको क्या देखना है कि आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एक्स वाई और जेड, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कहाँ पे आ रहा है, आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ रहा है 1.2। इसका मतलब उसके सामने, 1.2 के सामने आपका क्या है डिस्काउंटिंग फैक्टर 16%, और उसका क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर का वैल्यू है, दिस इज 3.274। ऐसे ही वाई का आप देखिए, वाई में आपका क्या लगेगा 0.8 के सामने क्या दे रखा है आपको, 0.8 के सामने आपको दे रखा है 14%। 14% का मतलब क्या हो गया आपका 3.433। ओके, देन आपको दे रखा है 0.4, 0.4 के सामने आपको क्या दे रखा है 12%, उसका आएगा 3.605। जस्ट आपको मल्टीप्लाई करना है सिंपल। द कंपनी सेलेक्ट द रिस्क एडजस्टेड रेट ऑफ डिस्काउंट ऑन द बेसिस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है उसके सामने जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है वही आपको कंसीडर करना है। 0.8 के सामने 14% है, 0.4 के सामने 12%, और उसका वैल्यूएशन ये आएगा। सही है सोनो फ्रेंड्स। ओके, तो डिटरमाइन द रिस्क एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू, इट मींस दिस इज स्टेटमेंट शोइंग रिस्क एडजस्टेड, रिस्क एडजस्टेड एनपीवी, स्टेटमेंट शोइंग रिस्क एडजस्टेड एनपीवी, डिटरमाइन द रिस्क एडजस्टेड एनपीवी, determine the risk adjusted NPV. Okay, this is X, Y and Z. All right, your outflow is 2,10,000, 120,000. आउटफ्लो कितना है 2,10,000, 120। ओके, लाइफ है आपकी 5 ईयर्स 5 ईयर्स 5 ईयर्स। इनफ्लो, इनफ्लो है 1 to 5 ईयर्स तक, आपको कितना मिलेगा 70,000, 42,000, 30,000. ओके, नाउ कोएफिशिएंट वेरिएशन है 1.2, 1.2 के सामने आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर दे रखा है, इसका इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर आएगा 16%, तो उसका क्यूमुलेटिव वैल्यू क्या आएगा, ये आएगा आपका क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर, इसको दे रखा है
0.8 के सामने है 14%, देन 0.4 के सामने है 12%, क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर इज 12%। सो योर प्रेजेंट वैल्यू इज 3.274 आ जाएगा फ्रेंड्स, बोलो या सुनो। 3.274 आ जाएगा। दूसरे का आपको दे रखा है 14%, तो 14% के सामने क्या है 3.433, और 12% के सामने है आपका 3.605। इट मीन्स 70,000 इंटू 3.274 माइनस 2,10,000, आपका एनपीवी आएगा 19,180। ऑलराइट, देन 42,000 इंटू 3.433 144 माइनस 1,20,000 is 24,186। ₹30,000 into 3.605 minus 1 lakh is 8,150। डिटरमाइन द रिस्क एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स, आपसे उतना ही पूछा है, डिटरमाइन द रिस्क एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स। ओके, आपका ये क्या आएगा, आपका 19,180, ये आपका क्या आएगा 24,186, ये आपका क्या आएगा 8,150। यही आपसे पूछा है, डिटरमाइन द रिस्क एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स। अपने पास तीन प्रोजेक्ट हैं एक्स वाई एंड जेड फ्रेंड्स, उसका तीनों का लाइफ है 5 ईयर्स 5 ईयर्स 5 ईयर्स। देन अपना आउटफ्लो है 2,10,000 एक्स में, 120 वाई में, 1 लाख जेड में। हर साल अपने को कितना मिलेगा 70, 42, 30। 5 साल का लाइफ है इस, अब ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा ऑन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब एक्स का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या रहा है 1.2, तो 1.2 के सामने आपका जो रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग फैक्टर है 1.2 इज ए 16%, तो हमने 16% ले लिया। ठीक है, y का आ रहा है फ्रेंड्स 0.8, तो 0.8 के सामने क्या है 14%, तो वो अपन ने ले लिया। z के सामने आपका क्या है 12% के सामने क्या है 3.605, अपन ने ये ले लिया। इज दिस क्लियर ऑन ऑल फ्रेंड्स, बोलो। सो दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग रिस्क एडजस्टेड एनपीवी। तीन प्रोजेक्ट का आपने से पूछा है कि द कंपनी सेलेक्ट द रिस्क एडजस्टेड रेट ऑफ डिस्काउंट ऑन द बेसिस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एक्स का 1.2 है तो कौन सा रेट आएगा, 0.8 है तो उसके सामने कौन सा रेट है, 0.4 टेबल में आपको दे रखा है। सही है, सुनो फ्रेंड्स। ऑलराइट, बोलिए, परफेक्टली क्लियर होंगे एग्जैक्टली, मतलब वेरी इजी क्वेश्चन दिस इज ना, वेरी इजी क्वेश्चन ना फ्रेंड्स, एग्जैक्टली सिमिलर आप देखिए, क्वेश्चन नंबर टू पेज नंबर 8.17। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम द फाइनेंस डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन फाइनेंस लिमिटेड रिलेटिंग टू प्रोजेक्ट एक्स वाई एंड जेड। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ कॉरपोरेशन फाइनेंस लिमिटेड रिलेटिंग टू द प्रोजेक्ट एक्स वाई एंड जेड। आपको क्या दे रखा है एक्स वाई एंड जेड,
नेट कैश आउटले है आपके पास, प्रोजेक्ट का लाइफ है, तीनों का सेम है, एनुअल कैश फ्लो है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, सेम हो गया फ्रेंड्स ना। यू आर रिक्वायर टू डिटरमाइन द रिस्क एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट कंसिडरिंग द कंपनी, सेलेक्ट रिस्क एडजस्टेड रेट डिस्काउंट ऑन द बेसिस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब आप मुझे बताइए एक्स के लिए कौन सा लेंगे, बोलिए वाई के लिए कौन सा लेंगे एंड जेड के लिए कौन सा लेंगे। देखो ये आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपका क्या दे रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एक्स में दे रखा है 2, तो उसके सामने आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर कौन सा आएगा, देखो 2 के सामने क्या है 20%। आपको वाई का क्या दे रखा है 0.8, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 0.8 के सामने आपका क्या आएगा 12%। देन आपको दे रखा है 1.6, 1.6 के सामने देखो जरा क्वेश्चन में बोलो बोलो 16%। सही है, सुनो इनका जो 5 ईयर्स का जो क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर है वो अपन लेके और अपन वैल्यू निकाल सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन ना फ्रेंड, बोलो परफेक्टली क्लियर हो नोट। 3 है अपने पास एक्स वाई एंड जेड, ओके इसका कोएफिशिएंट वेरिएशन 2 है तो डिस्काउंटिंग फैक्टर 20%, वाई का 8 है तो दे और जेड का ये, इट मींस दिस इज क्या पूछ रहा है अपने से, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द रिस्क एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू। स्टेटमेंट showing risk adjusted present value, statement showing risk adjusted present value, okay फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ओके फ्रेंड्स 3 प्रोजेक्ट्स हैं अपने पास, प्रोजेक्ट्स एक्स वाई जेड, ओके आउटफ्लो 42 lakhs, 24 lakhs, 20 lakhs, inflow 14 lakhs, 8,40,000, 6 lakhs, मल्टीप्लाई बाई क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ, क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ वो डिपेंड करेगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। एक्स का है 2, तो 2 के सामने अपने को दे रखा है 20%, दिस इज फॉर 1 to 5 years लेना पड़ेगा। वाई के लिए अपन को दे रखा है 0.8 का मतलब है 12%, ये भी अपन को लेना पड़ेगा 1 to 5। देन जेड 1.6, 16%, अपन को लेना पड़ेगा 1 to 5। इसका मतलब 20% पे आएगा 2.990, देन 12% पे आएगा 3.604, देन अपना आएगा 16% पे तो 3.4
274. All right, it means 14 lakhs into 2.990 minus 42 lakhs आपका आएगा 14,000 आपका आएगा एनपीवी नेगेटिव 8,40,000 × 3.604 माइनस 24,00,627 एंड देन 6,00,000 × 3.274 माइनस 20,35,600 सिंपल क्वेश्चन ना फ्रेंड्स. बोलो क्या दे रखा है. फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ना, एक्स वाई जेड. एक्स का आउटफ्लो 42 लाख, 24 लाख, 20 लाख. इनफ्लो ये. अब हम लोग डिस्काउंटिंग फैक्टर कौन सा लें. डिस्काउंटिंग फैक्टर डिपेंड्स ऑन यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द रिस्क एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट कंसिडरिंग द कंपनी सेलेक्ट रिस्क एडजस्टेड रेट ऑफ डिस्काउंट ऑन द बेसिस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. अब x के लिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन गिवन है 2 और 2 के सामने आपको रेट दे रखा है 20%. y के लिए है आपका 0.8 के सामने आपको दे रखा है 12% और z के लिए आपका है 1.6 के सामने आपको रेट दे रखा है 16%. आपका क्या आ जाएगा एनपी. सही आसान है फ्रेंड्स. इज दिस क्लियर. बोलो. ऑल राइट फ्रेंड्स. एक सिंपल है ना स्ट्रेट. ये तो हलवा है आपका. हाँ सही है. सुनो एकदम इजी है ना फ्रेंड्स. बोलो या सुनो. प्रॉपर ओके. अब आप आ जाइए फ्रेंड्स. योर अच्छा एक क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 9 पेज नंबर 8.11. सही है सुनो. इलस्ट्रेशन 9 पेज नंबर 8.11 इसमें भी आपके मैक्सिमम कवर हो जाएंगे प्रोजेक्ट पॉइंट ना फ्रेंड्स. कैन यू सी फ्रेंड्स इलस्ट्रेशन 9 एंड योर पेज नंबर इलस्ट्रेशन 9 पेज नंबर 8.11 इलस्ट्रेशन 9 पेज नंबर 8.11 देखिए फ्रेंड्स. इलस्ट्रेशन 9 शिवम लिमिटेड इज कंसीडरिंग टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट ए एंड बी. प्रोजेक्ट ए कॉस्ट 12,000 प्रोजेक्ट बी इज 11,000. दोनों अलग अलग हैं. एक का कॉस्ट 12,000 है उसका एक का 11,000. यू हैव बीन गिवन बिलो द नेट कैश फ्लो एनसीएफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ईच प्रोजेक्ट. आपको प्रोजेक्ट है उसको प्रोबेबिलिटी है आपके पास प्रोजेक्ट है प्रोबेबिलिटी है. कंप्यूट द एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट ए एंड बी.
कंप्यूट द रिस्क अटैच्ड टू प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ईच ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कंप्यूट द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स फॉर ईच प्रोडक्ट, आइडेंटिफाई विच प्रोडक्ट डू यू रिकमेंड स्टेट विद द रीजन. तो पहला वाला पार्ट तो एकदम सिंपल है, कंप्यूट द एक्सपेक्टेड नेट कैश इनफ्लो ENCF. ओके, इट मीन्स दिस इज फर्स्ट पार्ट ले लेते अपन. स्टेटमेंट शोइंग ENCF एक्सपेक्टेड नेट कैश एंड फ्लो, दिस इज ENCF. ऑलराइट फ्रेंड्स, इट मींस दिस इज योर प्रोजेक्ट ए, दिस इज योर प्रोजेक्ट बी. NCF नेट कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी यू विल गेट ENCF, नेट कैश फ्लो NCF इंटू प्रोबेबिलिटी यू विल गेट ENCF. ओके, 15,000, 12,000, 10,000, 8,000 into 0.4, 0.3, 0.2, 0.1. Easy friends? Then 15,000, 12,000, 10,000, 8,000, 0.3, 0.5, 0.1, 0.2. Say yes or no. 15,000 into 0.4, 6,000. 12,000 into 0.3, 3,600. इसको हम लोग x वैल्यू भी बोलते हैं, आगे काम आएगा ना फ्रेंड्स अपने को. 10,000, 0.2, 2,000, 8,000, 0.1, 800, 6,000, 3,600, 2,000, 800 is 12,400. 15,000 into 0.3, 4,500, 6,000, 1,800, 4,500, 6,000, 1,800 is 12,300. ये आपका हो गया आंसर नंबर वन. क्या पूछा रहा फ्रेंड्स? शिवम लिमिटेड इज कंसिडरिंग, शिवम लिमिटेड नेट कैश फ्लो हो गया आपका. शिवम लिमिटेड इज कंसिडरिंग टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट ए एंड बी. प्रोजेक्ट ए कॉस्ट 12,000, प्रोजेक्ट बी 11,000. यू हैव बीन गिवन द नेट कैश फ्लो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे रखा है ए का बी का. ए का 15,000, उसका प्रोबेबिलिटी ये है. 12,000 इसका 0.3 है, 10,000 0.2 है, 8,000 0.1 है. ठीक है, अगर अपन इसको देखें बी को, तो बी में 15,000 है, बी में 15,000 है,
15 का है 0.3 प्रोबेबिलिटी, देन 12,000 है उसका है 0.5, 10,000 है उसका है 0.10 और 8,000 है उसका है 0.8। सही है सर, बोलो। ऑल राइट, तो 15,000 इंटू 0.6,000 हो जाएगा, 3,600 हो जाएगा, 2,800 टोटल दिस, दिस इज 4,500, 6,000, 1,800, 12,000। सही है सर। कंप्यूट द एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो ENCF और प्रोजेक्ट ANP। एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड मतलब NCF मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी, NCF मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी यू विल गेट द एक्सपेक्टेड। कंप्यूट द रिस्क अटैच्ड टू ईच प्रोजेक्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ईस्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम है आपको, बोलो। स्टैंडर्ड डेविएशन रूट ऑफ, बोलो, रूट ऑफ वेरियंस। तो पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड आउट द वेरियंस। से यस और नो, पहले हम लोग को क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, बोलो फ्रेंड्स, वेरियंस। ओके, इट मीन्स दिस इज आंसर नंबर टू, स्टेटमेंट शोइंग वेरियंस। ये ए के लिए एक्स माइनस एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी विल गिव यू द वेरियंस। ये बी के लिए ई एन सी एफ माइनस एक्स एक्स माइनस ई एन सी एफ स्क्वायर प्रोबेबिलिटी विल गिव यू द वेरियंस। ओके, एक्स वैल्यू आपको क्या दे रखा है फ्रेंड्स, बोलो। दिस इज 15,000, दिस इज द एक्स का वैल्यू ना, माइनस एक्स का वैल्यू तो आपको ये दे रखा है, बोलो 15,000 12,000 10,000 ये तो सिखाए थे ना लास्ट लेक्चर में, माइनस 12,400, 12,400, 12,400 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी 0.4, 0.3, 0.2। सी एस एक्स का वैल्यू 15,000, 12,000, 10,000, 8,000, 12,300 का स्क्वायर, 12,300 का स्क्वायर, 12,300 का स्क्वायर, and 12,300 का स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, 0.3, 0.5, 0.10, 0.10 will give you the variances. Hello? X, X का वैल्यू आपको दे ही रखा है 15,12,10,8, 15,12,10,8 माइनस 12,400, 12,400 माइनस 12,300,
1200 एक्सपेक्टेड वैल्यू, स्क्वायर कर दिया सबको एंड मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी 15,000 माइनस 12,400 इंटू 0.4 27,04,000. This is 27,04,000. 12,000 माइनस 12,400 का स्क्वायर इंटू 0.3 इज 48,000. सही है, सुनो ये तो सीजी है ना, लास्ट लेक्चर में किया था ना अपन ने. 12,400 × 0.2 11,52,000. Then 8,000 माइनस 12,400 into 0.10 19,36,000. Okay, so 2704 plus 48 plus 1152 plus 1936 58,40,000. So yes, well, yeah. All right, then 15,000 इसके केस में, दिस वन 15,000, दिस वन ना फ्रेंड्स. सो 15,000 माइनस 12,300 टू इंटू 0.3 21,87,000. सो 21,87,000 12,000 less 12,300 into 0.5 is 45,000, right? 10,000 minus 12,300 into 0.10 is 5,29,000. Then 8,000 12,300 into 8,000 less 12,300 into 0.10 18,49,000. It means 21,87 plus 45 plus 529 18,49 46,10,000. सही है फ्रेंड्स, ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो कि नहीं. x का वैल्यू ले लिया अपन ने, ये तो x तो डायरेक्टली अपन को दे रखा है, माइनस एक्सपेक्टेड कैश फ्लो को माइनस किया, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया, आपको वेरियंस आ गया. सिमिलरली ये केस में भी आपको वेरियंस आ गया. अब बोलो आगे क्या करेंगे. स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, रूट ऑफ वेरियंस. क्या होता है बोलो, रूट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होता है रूट ऑफ वेरियंस. क्या फॉर्मूला था बोलो, ए और बी का रूट ऑफ वेरियंस. स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, रूट ऑफ वेरियंस. ओके, दिस इज A and this is B, root of variance. It means 58,40,000 and 46,10,000. दोनों का variance 58,40,000 is 2416.61. 2416.61 4610 का is 2147
2147.09, ये आपका हो गया ए, ये आपका हो गया बी, सही आंसर, ये हो गया आपका आंसर नंबर थ्री. कंप्यूट द रिस्क अटैच्ड टू ईच प्रोजेक्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ईच ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ये आपका क्या हो गया फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी, रूट ऑफ वेरियंस, रूट ऑफ वेरियंस किया तो ये आपका क्या आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी. कंप्यूट द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, याद है मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था पी आई, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, इट मींस ए एंड बी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो आपका क्या हो जाएगा. देखिए फ्रेंड्स, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, आपका आउटफ्लो कितना है फ्रेंड्स बोलो, आपका आउटफ्लो कितना है 12,000 और आपका इनफ्लो कितना है 12,400. एक्सपेक्टेड निकाला ना 12,400 एंड 12,300, और उसके सामने आपका आउटफ्लो क्या था 12,000 एंड 11,000. इट मीन्स 12,400 डिवाइडेड बाय 12,000 इज 1.03 एंड 12,300 डिवाइडेड बाय 11,000 इज 1.12. बोलो, कंपटीशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो, राइट, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउट, दोनों को डिवाइड किया. अब क्या बोल रहा है, रिकमेंडेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, हम लोग कौन सा प्रोजेक्ट लेंगे. अब ENCF ऑफ बोथ द प्रोजेक्ट इज ऑलमोस्ट सेम, 12,400 12,300 में कुछ इतना डिफरेंस नहीं, सेम. स्टैंडर्ड डेविएशन रिस्क इज लोअर इन बी, बी में आपका क्या है 1.03 और इसमें आपका है 1.12. ऑल्सो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ बी इज हायर, इसका वैसे भी अपन किस पे लेते हैं डिसीजन, पी आई के बेस पे ही लेते हैं ना अपन, उसका पी आई भी हाई है और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन भी बी का लोअर है, क्योंकि ये अपन को क्या बताता है, रिस्क बताता है. स्टैंडर्ड डेविएशन अपन को क्या बताता है, रिस्क, तो इसमें रिस्क भी कम है, इसका पी आई भी हाई है. लोअर इन प्रोजेक्ट बी एज कम्पेयर टू प्रोजेक्ट ए, ऑल्सो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ प्रोजेक्ट बी इज हायर देन द प्रोजेक्ट ए, सो प्रोजेक्ट बी प्रेफरेबल बिकॉज ऑफ द लोअर रिस्क एंड हायर प्रॉफिटेबिलिटी. हम लोग कौन सा प्रोजेक्ट लेंगे, दिस इज बी, क्यों लेंगे, एक तो इसका रिस्क कम है, स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, और दूसरा इसका पी आई भी क्या आ रहा है, हाई आ रहा है, और वैसे देखने जाए तो दोनों का ये तो इनफ्लो तो सेम ही है. सही आंसर नो फ्रेंड्स, यहां तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं, बोलिए, ऑल राइट, यहां तक क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है फ्रेंड्स, परफेक्टली क्लियर. पहले अपन ने सिंपल क्या क्या किया ये क्वेश्चन में, एक बार रिवाइज कर लेते हैं. पहले हम लोगों से पूछा था कंप्यूटर एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो, एक्सपेक्टेड नेट कैश इनफ्लो मीन्स कैश इनफ्लो को अपन ने क्या किया, जस्ट मल्टीप्लाई बाई द प्रोबेबिलिटी. दूसरा अपने से क्या पूछा, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है फ्रेंड्स, रूट ऑफ वेरियंस, वेरियंस के लिए क्या करते हैं अपन, एक्स जो अपन की वैल्यू दे रखा है माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी, तो अपने को वेरियंस मिलेगा, वेरियंस को स्क्वायर रूट करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगा. फिर अपने से क्या पूछा है,
प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, वो क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। उसके बाद अपन क्या करते हैं कि डिसीजन लेना है कि कौन सा अच्छा है, ए अच्छा है कि बी अच्छा है। अब ऐसे देखने जाएंगे तो दोनों में कैश फ्लो तो सेम ही था, जो नेट कैश फ्लो है वो तो सेम है, लेकिन रिस्क में देखने जाएं तो बी में कम है, पीआई भी देखें तो बी का ज़्यादा है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मीन्स इनफ्लो आपका बी के केस में 1.12 टाइम्स है और ए के केस में 1.0, जो पैसा आप लगा रहे हो इसका, जो पैसा आप लगा रहे हो उसका 1.12 टाइम्स बी के केस में है और ओनली 1.03 टाइम्स ए के केस में। तो व्हाट इज द बेटर, द बेटर इज ए बोलो बी, रिस्क भी कम है और पीआई भी ज्यादा है। बोलो या सुनो, देख लीजिए आप, इफ यू आर नॉट गेटिंग एनी पॉइंट यू प्लीज आस्क मी। हाँ ओके फ्रेंड्स, ऑलराइट फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आज फ्रेंड्स हम लोग बहुत ही जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इज ए सेंसिटिविटी एनालिसिस, इसको आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट मान के चलिए, राइट। और मैंने आपको क्या बताया था कि वेन एवर देर इज ए लाइक यू नो लाइफ में कोई भी अगर आप चैप्टर सीख रहे हैं आप उसको तीन में डिवाइड करिए, फर्स्ट इज ए प्रिपरेशन, सेकेंड इज ए रिविजन एंड थर्ड इज हाउ टू अटेम्प्ट इन द एग्जाम। तो आज हम लोग करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट इज ए सेंसिटिविटी एनालिसिस, बराबर। मैंने आपको क्या बताया था कि तीन पार्ट कौन कौन से रहेंगे, बोलिए आप। पहला आपका दिस इज प्रिपरेशन, दूसरा रिविजन एंड तीसरा हाउ टू अटेम्प्ट इन द एग्जाम, हाउ टू अटेम्प्ट इन द एग्जाम, हाउ टू अटेम्प्ट इन द एग्जाम। प्रिपरेशन यू डिवाइड इन टू, फर्स्ट व्हाट इज टॉपिक इटसेल्फ एंड सेकंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक इन डे टू डे लाइफ। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो what is topic itself and second what is the importance of this topic in day to day life, okay। वापस से सेम लेके चलता हूं कि जब तक डे टू डे लाइफ में अगर आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप काम नहीं कर सकते। देखो एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल है, मेरा जो सोचने का तरीका है, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, जैसे मैंने आपको कॉस्टिंग कराया वैसे ही मैं आपको FM भी कराना चाहता हूं, राइट। आप मुझे बताइए, जब घर में कोई भी लड़की, क्या उसकी मम्मी उसको थ्योरी सिखाती है क्या, पहले उसको थ्योरी सिखाती है क्या कि भाई इतना आटा डालना, इतना पानी डालना, लिख पहले, एक्सप्लेन करती है करके। अरे आप प्रैक्टिकल से एक्सप्लेन करिए, टॉपिक को डे टू डे लाइफ से समझिए। अपना क्या एग्जांपल था, यू कंटिन्यू दिस इज DKCR। मैंने आपको क्या बताया था कि भाई हम लोग को DKCR इसको अपना बिजनेस का ब्रांड बनाना है, राइट। जिन लोगों को अपने नए बिजनेस स्टार्ट करने हैं, वो हमारा लोगो यूज कर सकते हैं, वो हमारा नाम यूज कर सकते हैं ऑन पेड बेसिस। दानिकी कॉस्टिंग नाम आप यूज करिए, बट अभी आपको नहीं समझेगा क्योंकि अभी इतना पॉपुलरिटी नहीं है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कई एग्जांपल्स में बताया था कि हम लोग आउटफ्लो खर्चा करेंगे 100 करोड़। 100 करोड़ हम किसके ऊपर खर्चा करेंगे, दिस इज आवर एडवर्टीजमेंट कॉस्ट एंड मेक पॉपुलर DKC। हर रेलवे स्टेशन पर, हर एयरपोर्ट पर, CNBC चैनल के ऊपर, कोई भी स्टूडेंट के कॉलेज के वहाँ, हर बुक्स पे, हर टी शर्ट पे, हर जगह आपको एक ही नाम मिलेगा, ओनली दिस इज DKCR और उसके नीचे लिखा रहेगा दानिकी कॉस्टिंग, बराबर। ये आपने 100 करोड़ का एक प्रोजेक्ट बनाया कि हम खर्चा करेंगे। क्यों खर्चा करेंगे, खर्चा करने के बाद हम लोग एक बिजनेस करेंगे, बिजनेस में जो लोग हमारा नाम यूज करना चाहते हैं, अपना कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको क्या बताया था कि आज सोनू है, अगर वो अपना नया क्लास स्टार्ट करना चाहते तो सोनू क्लासेस के नाम से नहीं चलेगा,
लोग बोलेंगे यार कौन प्रोफेसर है क्या है, लेकिन अगर सीए का क्लास आपको दानगी कॉस्टिंग के नाम से चलाना है तो तुरंत वो स्टार्ट हो जाएगा चलना, क्योंकि लोग जानते हैं दानगी कॉस्टिंग इज वेरी पॉपुलर राइट। तो इसमें अगर आपको हमारा नाम यूज करना है किसी बिजनेस में राइट, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आज अगर आप एक क्लासेस खोलते हो, आप सपोज आप कोई भी बिजनेस खोलते हो, आप बोलते हो कि दिस सोनू लिमिटेड, और एक आप नाम ले लेते हो रिलायंस का और रिलायंस लिमिटेड करके, अगर उस नाम को आप यूज करते हो, उनके लोगों को यूज करते हो, तो लोगों का फेस ज़्यादा आएगा बिकॉज रिलायंस इज ए वेरी वेरी पॉपुलर कंपनी। ऐसे हम पहले डीकेसी को पॉपुलर बनाएंगे, उसमें हम कितना खर्चा करेंगे 100 करोड़, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ये आपकी समझ से परे राइट। उसके बाद हमें बिजनेस मिलेगा, वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमें 1 लाख, हमको 1 लाख कस्टमर मिलेंगे जो हमें साल का 12,000 देंगे। इट मीन्स 1% हमें पे करेगा 1,000 रुपीज पर मंथ, मीन्स 12,000 रुपीज पर ईयर अपने को पे करेगा। इट मीन्स 1,00,000 × 12,000, इट मीन्स 120 crore का अपना फर्स्ट ईयर में बिजनेस होगा, फर्स्ट ईयर में अपना बिजनेस होगा 120 crore का। उसमें से 50% हम लोग वापस से इसको एडवर्टीजमेंट में खर्चा कर देंगे, अगेन वी विल मेक द एडवर्टीजमेंट, उसको पॉपुलर बनाएंगे अपन डीकेसी को। इट मीन्स 60 crore rupees आपका वापस उसी साल में वापस से हम लोग खर्चा कर देंगे नेक्स्ट ईयर में। 30 crore हम लोग क्या देंगे इज ए कमीशन, 30 crore हम क्या देंगे, 36 crore हम लोग देंगे कमीशन, मीन्स 30% हम क्या देंगे कमीशन। किसको कमीशन देंगे, जो हमें इस टाइप के लोग ढूंढ के ला के देंगे और हमारा चेक ला के देंगे, हम उनको बोलेंगे कि आप लोगों को समझाइए कि यू डोंट यूज योर बिजनेस का नेम, उसकी जगह यू यूज पॉपुलर नेम दानिगी। अभी पॉपुलर नहीं है इसके लिए आपको थोड़ा ऐसा लग रहा है, वंस बहुत पॉपुलर हो जाएगा आप लोग बोलेंगे अरे यार दानिगी कॉस्टिंग, जो फ्रेंचाइजी का बेनिफिट है वो बेनिफिट अपन लेंगे। तो जो लोग हमारे को बिजनेस ला के देंगे हम उनको कितना पैसा देंगे, 30% ऑफ 120 crore, मीन्स 36 crore हम लोग उसी साल में क्या बांट देंगे कमीशन, और बाकी का जो 20% बचा दैट विल बी माय नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट होगा मेरा 24। नाउ दिस इज माय एक्सपेक्टेशन, अभी तक मैंने आपको क्या सिखाया था कि भाई ये होगा कि नहीं होगा, उसके लिए इट मीन्स इनफ्लो मल्टीप्लाई बाई, अब आपको लगता है कि नहीं सर ऐसा हो पाएगा कि नहीं, तो हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी से भी मल्टीप्लाई किया, तो अपना एक्सपेक्टेड ये इनफ्लो आया था। फिर हमने सर्टेनली इक्विवेलेंट सेव की, नहीं भाई हमें इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, वो हमने मल्टीप्लाई कर लिया। स्टैंडर्ड डेविएशन हमने किया, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किया हमने राइट, वेरियंस कैलकुलेट किए बराबर। लेकिन आज हम लोग करने वाले हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस कि व्हाट अगर आपका 10% से ये आउटफ्लो बढ़ गया। स्टार्टिंग में हम क्या बोल रहे हैं कि 100 crore हम लोग खर्चा करने वाले हैं, व्हाट अगर ये 110 crore हो गया, तो इसका एनपीवी पे जो आप एनपीवी निकाल रहे हो, जो आपके डीकेसी प्रोजेक्ट का जो आप एनपीवी निकाल रहे हो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। व्हाट अगर आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% से बढ़ गया, व्हाट आपके एक्सपेंसेस 10% से बढ़ गए, व्हाट अगर आपको इतने कस्टमर नहीं मिले ये 10% से घट गए। तो जो मैं आपको कॉस्टिंग में सिखाता था, रिमेंबर कॉस्टिंग में मैं आपको बताता था कॉस्टिंग वेरियंस, कॉस्टिंग में कौन कौन से वेरियंस थे, एक आपका था सेल्स डिवाइड इन टू प्रॉफिट एंड कॉस्ट। कॉस्ट में क्या क्या किया अपन ने, मटेरियल लेबर ओवरहेड, ओवरहेड में क्या क्या किया था वेरिएबल एंड फिक्स। वेरियंस एनालिसिस करते थे कि नहीं अपन, बिजनेस में वेरियंस तो रहेगा ना, जो आपने सोचा उससे तो हटके चीज हो सकती ना, तो हटके अगर हुआ क्या चीज सेंसिटिव है वो आपको देखनी है। अगर हटके कुछ हुआ तो आपको क्या क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा आपके एनबीपी पे राइट। अगर आपका सेल्स बढ़ गया, सेल्स आपका बढ़ सकता है, यहाँ पे अपन एडवर्स लेंगे, अगर सेल्स कम हो गया तो क्या, आपका रेवेन्यू कम हो गया तो क्या, आपका मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया तो क्या, आपका लेबर कॉस्ट बढ़ गया तो क्या, आपके ओवरहेड बढ़ गए तो क्या, आपका इनिशियल कॉस्ट जो आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया है वो बढ़ गया तो क्या, आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर बढ़ गया तो क्या। तो उसका व्हाट इज द सेंसिटिविटी, उसका क्या इम्पैक्ट आपके एनपीवी के ऊपर आएगा। लेकिन इसमें हम लोग को एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि एट ए टाइम ओनली वन वेरिएबल लेना है, या तो डिस्काउंटिंग फैक्टर ले लो आप, या इनफ्लो ले लो आप,
या आपका आउटफ्लो बढ़ा लो आप, या लाइफ आप देख लो करके, कुछ भी हो गया, ओके तो उसके ऊपर है। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। तो इसमें अगर इस तरह का अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हाउ वी विल हैंडल, हम लोग उसको कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि सपोज अगर अपने को कस्टमर नहीं मिले तो हम क्या करेंगे करके ना, अगर हमको कस्टमर नहीं मिले तो हम क्या करेंगे, हमारा ये इनिशियल कॉस्ट बढ़ गया तो हम क्या करेंगे, हमको रेवेन्यू कम कलेक्ट हुआ तो हम क्या करेंगे, हमारा डिस्काउंट इफेक्टर बढ़ गया तो क्या करेंगे। दैट इज वॉट योर फ्रेंड्स बताइए सेंसिटिविटी एनालिसिस। ओके बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल आपको कराता हूँ, आपका दिल खुश हो जाएगा। ओके सो जस्ट यू रिफर योर क्वेश्चन नंबर 7 एंड पेज नंबर 8.7, क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 8.7। एक्स लिमिटेड इज कंसिडरिंग इट्स न्यू प्रोजेक्ट विद द फॉलोइंग डिटेल्स। इनिशियल कैपिटल कॉस्ट है 400 करोड़, एनुअल यूनिट सेल्स 5 करोड़, सेलिंग प्राइस 100, वेरिएबल कॉस्ट 50, फिक्स कॉस्ट 50 एंड डिस्काउंट फैक्टर रेट 6%। कंप्यूट द एनपीवी, इट्स वेरी सिंपल, आराम से अपन एनपीवी निकाल सकते हैं, राइट। मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में फ्रेंड्स, दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग एनपीवी, ईयर जीरो आवर आउटफ्लो, आउटफ्लो इज ऑल फिगर्स इन सीआर 400 मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर, डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ 6% प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू अपना क्या हो जाएगा इज ए 400 ओनली। स्टेटमेंट शो कि एनपीबी ईयर जीरो आउटफ्लो 400 डिस्काउंटिंग फैक्टर 6% इज ए 400। नाउ आपको 3 ईयर्स का है तो 3 ईयर्स में व्हाट इज योर इनफ्लो, इनफ्लो कैसे निकालेंगे आप, फर्स्ट यू टेक सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट लेस फिक्स कॉस्ट, ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिकॉज सेल्स कुछ भी टैक्स वगैरह नहीं है, मल्टीप्लाई बाय क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ 6% आपको क्या आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू। आपका सेल्स कितना होगा फ्रेंड्स, 5 करोड़ यूनिट एट द रेट ऑफ 100, 5 × 100 500 लेस वेरिएबल कॉस्ट 5 × 50 250 लेस फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट इज 50, तो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा 200 मल्टीप्लाई बाई, अब 3 ईयर्स का क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर ले सकते हैं, या तो आप हर साल निकालो और करो, या एक जैसा ही इनफ्लो है तो मल्टीप्लाई बाई क्यूमुलेटिव 6% से, इट मीन्स दिस इज योर 100 डिवाइडेड बाई 106 × 0.943, फर्स्ट ईयर का 943, सेकेंड ईयर का 889 एंड थर्ड ईयर का 840। कर सकते हो कैलकुलेटर पे, 100 डिवाइडेड बाई 106 × इक्वल टू 943 889 एंड 840। ओके सो यू कैन टेक द टोटल बिकॉज अमाउंट एक जैसा ही है, सो वी कैन टेक 0.943, 0.889, 0.840 इज 2.672, 2.672 क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर, सो 2.672 इंटू 200 इंटू 2.672 इज 200 इंटू 2.672 दिस कम्स टू 534.4,
534.4 आपका एनपीवी आ जाएगा, एनपीवी आपका आ जाएगा 0.8। एग्जैक्टली टेली करने के लिए ना वापस आप चेंज कर लीजिए, तो क्या आपका इंस्टीट्यूट का और आपका एग्जैक्ट आंसर टेली हो जाएगा फिर ना। उन लोगों ने इंडिविजुअल ईयर में लिया है, मैं आपको ऐसे सिखा रहा हूँ, 100 डिवाइडेड बाई 106 इंटू इंटू दिस इज 9943890। तो एग्जैक्टली अपना क्या टैली हो जाएगा ना, देन 840। इन लोगों ने इंडिविजुअल करके लिया है 200 को मल्टीप्लाई करके, मैं आपको डायरेक्टली सिखा देता हूँ, सो यू कैन सेव द टाइम इन द एग्जाम। अगर फिगर्स आपकी सेम है तो यू कैन टेक क्यूमुलेटिव 0.890 प्लस 0.840 एंड दिस कम्स टू 2.673। 2.673 मल्टीप्लाई बाई 200 इज 534.6 एंड सो योर एनपीबी विल बी 534.6 माइनस 400 134.6। सही है सर, नॉर्मल्स बोलो। स्टेटमेंट शोइंग एनपीबी ऑल फिगर्स इन रुपीस, ईयर जीरो आउटफ्लो 400 400 123 सेल्स, आपको सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाई यूनिट्स, वेरिएबल कॉस्ट यूनिट्स मल्टीप्लाई बाई वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट कॉन्स्टेंट, आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो या तो आप इंडिविजुअल हर साल कर लीजिए जो मैंने सॉल्यूशन में किया है, या फिर आप क्यूमुलेटिव करके भी कर सकते हैं। इफ यू डोंट हैव टाइम इन द एग्जाम यू कैन टेक द क्यूमुलेटिव एंड टेक दिस। सो एनपीबी आपका आएगा 534 माइनस 400 इज 134.6 134.6। ये आपका आ गया पहला आंसर। कैलकुलेट द एनपीबी ऑफ द प्रोजेक्ट, कैलकुलेट द एनपीबी ऑफ द प्रोजेक्ट, ये आपका क्या हो गया फ्रेंड्स, एनपीबी आपका आ गया, एनपीबी ऑफ द प्रोजेक्ट, एनपीबी ऑफ द प्रोजेक्ट इज 134.6 134.6। ये आपका क्या आ गया फ्रेंड्स बोलो, ये आपका आ गया एनपीबी 134.6। ये आपका क्या आ गया बोलो, एनपीबी। ऑल राइट और नॉट फ्रेंड्स, अब नाउ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है अभी आपके पास। आप जरा देखिए, ये आपका आ गया सिचुएशन, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, कंप्यूट द इम्पैक्ट ऑन द प्रोजेक्ट्स एनपीबी कंसिडरिंग 2.5% एडवर्स वेरियंस ऑन ईच वेरिएबल, विच वेरिएबल हैविंग मैक्सिमम इफेक्ट। अब आपका जैसे सपोज ये आपको 2.5% एडवर्स आपका वेरियंस है, याद है, इट मीन्स एडवर्स आपका वेरियंस है, एडवर्स वेरियंस कैसे होगा, इसका मतलब जहां इनकम है वहां पे कम हो जाएगा, जो एक्सपेंस है वो बढ़ जाएगा। जैसे सपोज आपके पास क्या क्या दे रखा है, कौन कौन से वेरिएबल हम दे रहे हैं, क्या बोल रहा है, 2.5% जो इनकम है वो कम हो जाएगी और जो एक्सपेंस है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखो आपका इनिशियल कॉस्ट है आपका 400 सीआर था, वो अगर बढ़ के 102.5% ये आपका क्या हो गया, इनिशियल कॉस्ट आपका कितने से हो गया फ्रेंड्स बोलो, इट मींस 400 की जगह 102.5 इज डिवाइडेड बाय 400 इंटू 102.5। 2.5% अगर आपका बढ़ जाता तो ये क्या हो जाएगा, 410। तो अगर ये 10 से बढ़ता है तो आपके एनपीवी पे उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, ये आपका एक वेरिएबल रहा।
दूसरा आपका क्या बोल रहा है, ये आपका कॉस्ट था, इनिशियल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस आपका क्या था 100। अगर वो 2.5% से रिड्यूस हो जाता है, इसका मतलब आपका सेलिंग प्राइस क्या बचेगा 97.5, उसका एनपीवी पर क्या इंपैक्ट आएगा। उसके बाद आपको दे रखा है वेरिएबल कॉस्ट, आपका दे रखा था वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस आपका 100, आपका वेरिएबल कॉस्ट था 50, आपका वेरिएबल कॉस्ट क्या था 50, आपका वेरिएबल कॉस्ट क्या था 50, 50 अगर वो बढ़ जाए 2.5% से, एड 2.5%, इट मीन्स 50 इंटू 2.5% इज 1.25, इट मीन्स प्लस 50, आपका कॉस्ट हो जाए 51.25, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ के 51.25, तो उसका एनपीवी पे क्या इफेक्ट आएगा, से या सुनो, फिक्स्ड कॉस्ट आपका, फिक्स्ड कॉस्ट आपका, फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट आपका कितना था फ्रेंड्स, आपका फिक्स्ड कॉस्ट कितना था, आपका फिक्स्ड कॉस्ट था 50, वापस से बढ़ जाए 2.5%, इट मीन्स कितना हो जाएगा 50 का 2.5% इज 1.25, इट मीन्स 51.25 क्रोस हो जाए, राइट। या फिर आपके यूनिट सोल्ड, यूनिट सोल्ड आपके थे, यूनिट सोल्ड थे आपके 5 CR, वो घट के 2.5%, इट मीन्स 5 का 2.5% इज 0.125 इज 4.875 हो जाए, ओके 4.875 हो जाए, आर यू गेटिंग फ्रेंड्स। अपने को एडवर्स वेरियंस लेना है, क्वेश्चन को समझिए आप पहले ना, क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन ना फ्रेंड्स, क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कंप्यूट द इंपैक्ट ऑन प्रोजेक्ट एनपीवी कंसीडरिंग 2.5% एडवर्स वेरियंस। एडवर्स कब होगा, जब आपका इनिशियल कॉस्ट 400 की जगह क्या हो जाएगी 410, 2.5% से बढ़ जाएगा। दूसरा आपका वेरिएबल है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कब एडवर्स होगा, अगर जो सोचा है उससे कम होगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यू रिमेंबर, इसके लिए मैंने बोला आपको करके ना कि कॉस्टिंग आपका एकदम परफेक्टली क्लियर होना चाहिए करके ना। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस आपका क्या हो जाएगा 97.5, तो आपका एनपीवी पे उसका क्या इफेक्ट आएगा। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट क्या था आपका, दिस इज बढ़ जाएगा, एडवर्स का मतलब क्या है कि कॉस्ट आपका बढ़ जाएगा। फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या है आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा। यूनिट सोल्ड, यूनिट सोल्ड मतलब क्या है आपका यूनिट्स कम सेल होगा। तो ये आपके 5 वेरिएबल हैं, एक ये आपका 2, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4 और ये आपका 5, ये पांचों वेरिएबल को कंसीडर। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि ये पांचों वेरिएबल में से सिर्फ एक ही वेरिएबल एट ए टाइम अपन को कंसीडर करना है, हमको एक ही वेरिएबल एट ए टाइम कंसीडर्ड करना है, एक ही वेरिएबल को हम लोग एक टाइम पे कंसीडर करेंगे, सही है सो नो फ्रेंड। एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट हमारा कितना था, एट प्रेजेंट हमारा एनपीवी था 134.6, तो इसका क्या इंपैक्ट आएगा, हमारा 134.6 का क्या इंपैक्ट हमको आएगा, वो हमको देखने का है, सही है सो नो फ्रेंड। अब आप देखिए, पहला पहला वो बोल रहा है कि इफ द इनिशियल कॉस्ट, इट मींस फर्स्ट वेरियंस इफ इनिशियल कॉस्ट, इफ इनिशियल कॉस्ट इंक्रीज्ड बाय 2.5%, बाकी के सारे जो फैक्टर्स हैं वो सेम रहेंगे, बाकी के सारे फैक्टर्स हैं वो सेम रहेंगे। सेंसिटिविटी कहाँ है, इन इनिशियल कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट कितना है, बढ़ रहा है भाई 2.5%, इसका इंपैक्ट एनपीवी पे क्या होगा, इट मींस दिस इज स्टेटमेंट शोइंग revised NPV, all right, this is
ईयर इनफ्लो आउटफ्लो, इनफ्लो आउटफ्लो डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ 6%, आपका क्या आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू. ओके, ईयर जीरो, ईयर जीरो, ईयर जीरो में आपका इनफ्लो, इनफ्लो आउटफ्लो, आउटफ्लो कितना हो गया 400 पहले से था प्लस 2.5% ऑफ 400, 400 2.5% ऐड किया 410 इंटू 1, आपका आउटफ्लो 410. नाउ 1-3 इयर्स, ठीक है, पहला सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट लेस फिक्स कॉस्ट, दिस इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंटू क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर 6%, ये आपका क्या आएगा प्रेजेंट वैल्यू. सही है सुनो फ्रेंड्स, वेरियांस क्या लेके चल रहे हैं हम लोग, वेरियांस, वेरियांस इफ इनिशियल कॉस्ट इंक्रीज्ड बाय 2.5%. एक ही टाइम पे एक ही वेरिएबल आप कंसिडर कर सकते हो, एक ही टाइम पे आप एक ही वेरिएबल कंसिडर कर सकते हो इफ इनिशियल कॉस्ट इंक्रीज्ड बाय 2.5%. इट मीन्स स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग रिवाइज्ड एनपीबी, ईयर, ईयर जीरो, इनफ्लो आउटफ्लो, इन आपका आउटफ्लो 410 हो जाएगा क्योंकि पहले 400 था, 2.5% से बढ़ रहा है, 410 हो जाएगा. मॉड्यूल का बहुत ही जबरदस्त बेहतरीन क्वेश्चन है, मैंने आपको मॉड्यूल ही कवर करा है, आपके मोस्ट जो एग्जाम के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज ए मॉड्यूल ओनली, मॉड्यूल करके जाइए आपका काम हो जाएगा. कितने से हो गया 4, और ये लेटेस्ट ICAI का मॉड्यूल है, मैंने आपको फॉर्म आपको सॉल्यूशन भी दिया है प्लस मैं आपको सॉल्व भी करा रहा हूँ 410. अब आप आ जाइए 1-3 ईयर्स, आपका सेल्स क्योंकि कॉन्स्टेंट है इसके लिए अपन ले सकते हैं, अपन ने कैलकुलेट किया था पीछे, सेल्स, सेल्स कितना था 5 इंटू 100 500, वेरिएबल कॉस्ट 5 करोड़ इंटू 50 इज 250, फिक्स कॉस्ट 50 कितना बचा 200 इंटू क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाला था ना फ्रेंड्स अपन ने, क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ 6%, एट द रेट ऑफ 6% फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर 0.943, 0.890, 0.840, इट मींस 0.943, 0.890, 0.843, 2.673, 2.673, 2.673 into 200 is 534.6. ओके 534.6 ये तो अपन ने दे ही रखा, ठीक है. आपका NPV क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, आपका NPV आ जाएगा, इट मींस 534.6 माइनस 410 माइनस 410 इज 124.6. बोलिए आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा है कि नहीं, 124.6. तो इसका मतलब पहले आपका NPV था परसेंटेज चेंज इन NPV, पहले आपका था NPV 134.6 माइनस अब हो गया 124.6 डिवाइडेड बाय 134.6, इट मीन्स 134.6 माइनस 124.6 डिवाइडेड बाय 134.6 इनटू 100 इज 7.43% आपका इफेक्ट है. अगर आपका कॉस्ट
2.5% से, अगर आपका इनिशियल कॉस्ट 2.5% से बढ़ा, अगर आपका इनिशियल कॉस्ट 2.5% से बढ़ा, अगर आपका इनिशियल कॉस्ट 2.5% से बढ़ा तो आपका एनपीवी कम हो जाएगा 7.43% से। अगर आपका कॉस्ट 2.5% से बढ़ा, क्यों? क्योंकि देखो 400 2.5% 410 हो गया, 410 आपका ये हो गया। अब उससे क्या होगा, सेल्स, ये आपका वेरिएबल कॉस्ट, ये आपका फिक्स कॉस्ट, क्या आ जाएगा, पीवीटी, क्यूमुलेटिव फैक्टर, ये आपका देश। अब एनपीवी में ये माइनस ये करेंगे तो ये माइनस ये आपको क्लियर हुआ क्या? सही आसान हो फ्रेंड्स, बोलो। ये आपका हुआ फर्स्ट वेरिएबल। ये क्या बोल रहा है, इफ इनिशियल कॉस्ट इंक्रीज्ड बाय 2.5%, इफ द इनिशियल कॉस्ट इंक्रीज्ड बाय 2.5%। क्या पूछ रहा है अपने से क्वेश्चन में फ्रेंड्स, कंप्यूट द इंपैक्ट ऑन द प्रोजेक्ट एनपीवी कंसीडरिंग 2.5% एडवर्स वेरियंस इन ईच वेरिएबल, विच वेरिएबल हैविंग ए मैक्सिमम इफेक्ट। कौन से वेरिएबल में आपको, मैंने आपको बताया था ना दानी की कॉस्टिंग, हाँ, जैसे मोम की मोम होती है नानी, लाइफ के लिए जरूरी है पानी, ऐसे कॉस्टिंग में प्रोफेसर दानी। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर दानी की कॉस्टिंग का कॉस्ट बढ़ जाता है, रेवेन्यू कम हो जाता है, डिस्काउंटिंग फैक्टर चेंज, तो ईच, अगर आपका ये 2.5% से हुआ तो मेरा एनपीवी 7.43 से हो जाएगा। ऐसे ही करके अपन ईच एंड एवरी पार्ट को डिस्कस कर सकते हैं, दैट इज ए वन। अब आप आ जाइए सेकेंड पार्ट अपन ले लेते हैं फ्रेंड्स, गो वन बाई वन। इफ द सेलिंग प्राइस रेड्यूस्ड टू 97.5, मीन्स 2.5% से अगर आपका सेलिंग प्राइस कम हो जाता है तो क्या इफेक्ट आएगा, देखो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ओके आप समझिए। अब आपका आ जाएगा सेलिंग प्राइस अगर आपने कम किया तो उसका क्या इफेक्ट आएगा, फॉर्मेट अपन सेम रखते करके ना, तो अपन को बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। इट मींस आपका पैसा कितना जाएगा फ्रेंड्स, मैंने क्या बताया था, एट ए टाइम ओनली वन वेरिएबल, वेरियंस किस में वेरियंस आ रहा है फ्रेंड्स, इफ सेलिंग प्राइस पर यूनिट रेड्यूस्ड बाय 2.5%, इफ सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेकेंड आपका चल रहा है फ्रेंड्स, ये आपका पहला था, अब आपका चल रहा है सेकेंड, आपका सेकेंड पार्ट चल रहा है सेकेंड वेरिएबल में। इफ सेलिंग प्राइस रिड्यूस टू 2.5%, इसका मतलब इनफ्लो आउटफ्लो, आपका आउटफ्लो कितना रहेगा इनिशियल, वो तो सेम ही रहेगा 400 × 1, आपका क्या आ जाएगा 400, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं। इसका मतलब अभी दूसरे वेरिएबल पर जा रहे हैं, मतलब एट ए टाइम वन वेरिएबल, पहले अपन ने इन्वेस्टमेंट का लिया था, अभी इन्वेस्टमेंट को कांस्टेंट रख रहे हैं और अपन सेलिंग प्राइस को चेंज कर रहे हैं, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इट मींस दिस इज 1 to 3 years, कितना सेल आपका होगा 5 crore × 100 × 97.5%, 5 × 100 × 97.5%, 487.5, वेरिएबल कॉस्ट 5 crore × 250, फिक्स कॉस्ट 50, इट मींस 187.5 × क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर, क्या था फ्रेंड्स, क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर 2.5
6673. It means 187.5 into 2.673, and this comes to 501.19. तो आपका एनपीवी हो जाएगा 501.19 - 400. इट मीन्स 101.19. ओके 101 परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज इन एनपीवी इज, पहले अपना एनपीवी था 134.6, अब हो गया 101.19 डिवाइडेड बाय 101.19 इनटू 100. 134.6 माइनस 101.19 डिवाइडेड बाय 101.19 इनटू 100 एंड दिस कम्स टू 134.6. So 134.6 minus 101.19 divided by 134.6 into 100 and this comes to 24.82%. Say yes or no. पहला दूसरा हमने क्या लिया है कि इफ द सेलिंग प्राइस रिड्यूस्ड बाय 2.5% स्टेटमेंट शोइंग रिवाइज्ड एनपीवी हियर आपका आउटफ्लो तो सेम कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया एट ए टाइम वन ओनली 400 × 1 400 1 to 3 इयर्स सेल्स आपका सेल्स 5 crore × 100 लेकिन अभी आपको 2.5% कम मिलेगा ये हो गया माइनस दिस ये आपका आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिस्काउंटिंग फैक्टर ये आपका पीवी आ गया पीवी मींस एनपीवी पीवी ऑफ इनफ्लो पीवी ऑफ आउटफ्लो ये आपका आ गया परसेंटेज चेंज इन एनपीवी एनपीवी पहला आपका था 134 अब आपका आ रहा है 101 डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस कम्स टू 24.8 ये आपका सेकंड अगर आपका सेलिंग प्राइस रिड्यूस हुआ तो बाय 2.5% अगर आपका सेलिंग प्राइस 2.5% से कम हुआ है अगर आपका सेलिंग प्राइस 2.5% से कम हुआ है तो आप क्या करें सेम फॉर्मेट में आप सारे वेरिएबल्स को ले सकते हो अभी अपन के दो वेरिएबल्स हो गए तीन और बचे एक आपका वेरिएबल कॉस्ट में चेंज होगा एक आपका फिक्स कॉस्ट में चेंज होगा और एक आपकी जो यूनिट्स बिक रही हैं उनमें चेंज होगा ये तीन और आपके बाकी पांचों वेरिएबल में आप मुझे बताएं फॉर्मेट आप सेम रखिए करके ना बोलो यस और नो फ्रेंड्स परफेक्ट कुछ भी पूछना है तो प्लीज आप बताइए करके ना ये हमारा सेंसिटिविटी एनालिसिस चल रहा है करके ना कि अगर हमारा ये हुआ तो इसका क्या इफेक्ट आएगा इससे इफेक्ट आएगा 24.8 इसका मतलब अगर इनिशियल कॉस्ट हमारा बढ़ा तो हमारा एनपीवी माइनस में जाएगा 7.43 और अगर सेलिंग प्राइस हमारा 10% से कम हुआ तो माइनस में जाएगा माइनस 24.82 अब आप आगे आ जाइए फ्रेंड्स फॉर्मेट आप सेम रखिए करके ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी लिखने में करके ना अब क्या बोल रहा है फ्रेंड्स आगे क्या बोल रहा है फ्रेंड्स इफ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज्ड थर्ड इफ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज्ड बाय 2.5%
इफ द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज्ड बाई 2.5%, इसका मतलब आउटफ्लो पे, इनिशियल आउटफ्लो पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ईयर जीरो जो आपका इनिशियल आउटफ्लो है 400 इंटू वन आपका 400 ही रहेगा। चेंज क्या होगा आपका, सेल्स भी आपका चेंज नहीं होगा। मैंने क्या बताया, वन वेरिएबल एट ए टाइम 1 to 3 years, इट मीन्स 5 into 100 इज 500, 5 into 50 into 102.5%, 5 into 50 into 102.5 divided by 100 is 256.25. Fixed cost no change, it means minus 500, 243. This comes to 500 minus 256.25 minus 50. आपका आएगा 193.75 मल्टीप्लाई बाई डिस्काउंटिंग फैक्टर 2.673. एंड दिस कम्स टू 517.89. आपका एनपीवी आ जाएगा रिवाइज होके 517.89 माइनस 400 इज 117.89. इट मीन्स परसेंटेज चेंज इन एनपीवी 117.89, पहले आपका क्या था, पहला आपका एनपीवी ओरिजिनल एनपीवी था 134.6 और ये जो चेंज किया है उसकी वजह से अब आपका रिवाइज आ रहा है 117.89 डिवाइडेड बाय 134.6 इनटू 100, 134.6 माइनस 117.89 डिवाइडेड बाय 134.6 इनटू 100 एंड दिस कम्स टू 12.41%. ये आपका नेगेटिव में आ जाएगा 12. मतलब अगर आपका वेरिएबल कॉस्ट 2.5% से बड़ा, एडवर्स का मतलब क्या होता है, यू रिमेंबर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बराबर रेवेन्यू में, सेल्स में रेवेन्यू क्या होता था, अगर सेल्स कम हो जाएगा तो अपना एडवर्स होता था, राइट, कॉस्ट बढ़ जाता था, तो कॉस्ट यहाँ पे कॉस्ट है तो कॉस्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब एडवर्स इफेक्ट है। तो 2.5% से अगर एडवर्स वेरियंस आता है वेरिएबल कॉस्ट में, याद है ना, मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन, दारिंगी कॉस्टिंग, ठीक है। तो अगर ये 2.5% से बढ़ गया, अगर ये 2.5% से बढ़ गया, अगर ये 2.5% से बढ़ गया, तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा कि आपका एनपीवी है उस पर डायरेक्टली इसका इम्पैक्ट आएगा कि आपका एनपीवी नेगेटिव में हो जाएगा 12.41% आपका इम्पैक्ट होगा, मतलब कम हो जाएगा आपका एनपीवी। पहले आ रहा था 134, अब आपका आएगा 117.89। कैसे किया, इफ द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 2.5% से अगर आपका बढ़ता है, एडवर्स होता है करके ना, तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, स्टेटमेंट शोइंग रिवाइज एनपीवी ईयर, इनफ्लो आउटफ्लो डिस्काउंटिंग फैक्टर, ये तो 400 था, वो 400 का 400 मैंने क्या बताया, एट ए टाइम वन वेरिएबल ओनली, 500 सेल आपका नो चेंज, 5 crores इंटू 100, ऑल फिगर्स इन करोड़ से ही वो अपन ने लिखी दिया। वेरिएबल कॉस्ट आपका बढ़ रहा है 5 into 50 into 2.5%, लेस फिक्स कॉस्ट कॉन्स्टेंट है, ये आ जाएगा, क्यूमुलेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, इसमें से ये माइनस किया एनपीवी आ जाएगा, परसेंटेज चेंज इन एनपीवी। सही है, सुनो फ्रेंड्स, बोलो।
ऑल राइट, ये आपका था अगर आपका वेरिएबल कॉस्ट। अब ये क्या बोल रहा है, अगर फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट आपका, फिक्स्ड कॉस्ट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अगर आपका बढ़ता है 2.5% से, ओके अब आप आ जाइए, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपका बढ़ता है इफ जी, इफ फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज्ड बाई 2.5%। जाइए इफ फोर्थ आपका ये हो जाएगा फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन है जिसमें मैक्सिमम पॉइंट आपके कवर हो रहे हैं। इफ इफ फिक्स्ड कॉस्ट, इफ फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज्ड बाय 2.5%, इफ फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज्ड बाय 2.5%, इट मीन्स 50 का क्या हो जाएगा, 50 इंटू 2.5%। इसमें गलत लिखा है मॉड्यूल में, गलत उन्होंने लिखा है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, पर यूनिट कभी इंक्रीज नहीं होता है, फिक्स कॉस्ट रिमेन कॉन्स्टेंट करके ना, तो बोल रहा है कि आपका फिक्स कॉस्ट टोटलिटी में 2.5% से, ये मॉड्यूल में आप करेक्ट कर लेना, मॉड्यूल में इसमें मिस्टेक दे रखा है, ओके मॉड्यूल में लिखा है फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज्ड टू, नहीं पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज टू, पर यूनिट नहीं होता, टोटलिटी में होगा वो करके ना, टोटलिटी में। तो देखो स्टेटमेंट शोइंग रिवाइज एनपीबी ईयर जीरो इनफ्लो आउटफ्लो, ये तो 400 ही रहेगा आपका फ्रेंड्स, बोलो 400 इंटू 1 ये आपका 400 हो जाएगा, 1 to 3 ईयर सेल्स वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये एनपीबी। ओके इट मीन्स सेल्स 5 into 100 500 वेरिएबल कॉस्ट 5 into 50 250 फिक्स कॉस्ट 50 दिस कम्स टू 200 लेकिन फिक्स कॉस्ट आपका बढ़ रहा है राइट, फिक्स कॉस्ट आपका बढ़ रहा है, फिक्स कॉस्ट हो जाएगा 50 into 102.5% पर यूनिट नहीं बढ़ेगा, उन्होंने गलत लिखा है मॉड्यूल में, इंटू 500 ये आपका हो जाएगा 50 into 2.5% इज 51.25, 500 लेस 250 लेस 51.25 इज 198.75, आपका आ जाएगा 198.75 मल्टीप्लाई बाई क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर इज 2.673 इंटू 2.673 एंड दिस कम्स टू 531.26। तो रिवाइज्ड एनपीवी हो जाएगा 531.26 माइनस 400 इज 131.26, ओके 131.26 परसेंटेज चेंज इन एनपीवी विल बी, पहले हमारा था 134.6 माइनस 131.26 डिवाइडेड बाय 134.6 इंटू 100, 134.6 माइनस 131.26 डिवाइडेड बाय 134.6 माइनस 131.26 डिवाइडेड बाय 134.6 इंटू 100,
2.48%, मीन्स नेगेटिव आपका रहेगा 2.48%। आपका इम्पैक्ट क्या होगा, आपका कम हो जाएगा। इट मीन्स इफ फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज बाय 2.5%, आपका इनिशियल आउटफ्लो क्या रहेगा, सेम, उसमें नो चेंज। 1 to 3 ईयर सेल्स में नो चेंज, वेरिएबल कॉस्ट में नो चेंज, यस, आपका फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो पीबीटी आ जाएगा। देन ये आ गया आपका रिवाइज एनपीबी -400 131% चेंज इन एनपीबी 134 दिस 134 इंटू 100 एंड दिस कम्स टू 2.48% से आपका क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। मीन्स हर वेरिएबल, मीन्स एट ए टाइम एक ही वेरिएबल चेंज होगा। पहले अपन ने क्या किया था, इनिशियल कॉस्ट को चेंज किया, बढ़ा दिया, सेलिंग प्राइस को रिड्यूस किया, वेरिएबल कॉस्ट को बढ़ा दिया, या फिर फिक्स कॉस्ट को बढ़ा दिया, तो हर एक का क्या क्या इम्पैक्ट आएगा। तो अगर अपने इनिशियल कॉस्ट का इम्पैक्ट आया था 7.43% से एनपीबी कम हो रहा था, फिर देन सेलिंग प्राइस का 24.82 से कम हो रहा था, देन वेरिएबल कॉस्ट का 12.41 से कम हो रहा था, फिक्स कॉस्ट का 2.48 ये आपका निकल के आया, उससे कम हो रहा है। अब आपका लास्ट बचा, लास्ट में क्या बोल रहा है ये कि यूनिट सोल्ड पर ईयर रिड्यूस टू, इसका मतलब अगर वो यूनिट सोल्ड आपकी 2.5% से कम हो जाए तो इसका इफेक्ट सेल्स पे आ जाएगा करके ना। ओके, देखिए जरा बाकी का फॉर्मेट सेम ही रखिए आप। क्या बोल रहे हैं, इफ आपका लास्ट पार्ट फिफ्थ वेरिएबल आपका बोल रहा है मॉड्यूल, इफ यूनिट सोल्ड पर ईयर रेड्यूस्ड बाय 2.5%, इफ यूनिट सोल्ड पर ईयर इज रेड्यूस्ड बाय 2.5%, से यस और नो। राइट, ये तो आपका 400 का 400 ही रहेगा, ये आपका 400 का 400 ही रहेगा, नो चेंज। सेल्स आपका नो चेंज, 5 × 97.5%, मीन्स नंबर ऑफ यूनिट्स आपकी हो जाएंगी 5 × 97.5% इज 4.875, सेलिंग प्राइस 100 × 100 आपका आएगा 487.5, लेस वेरिएबल कॉस्ट 4.875 × 50 इज 243.75, लेस फिक्स्ड कॉस्ट आपका सेम रहेगा और प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा 487.5 माइनस 243.75 माइनस 50 इज 193.75 इंटू क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर इज 2.673 is 517.89. So NPV is 517.89 minus आपका इनिशियल कॉस्ट 400,
तो ये हो जाएगा 117.89। सो परसेंटेज चेंज इन एनपीवी विल बी, पहले आपका था 134.6 माइनस 117.89 डिवाइडेड बाय 134.6, 134.6 माइनस 117.89 डिवाइडेड बाय 134.6 इनटू 100 इज 12.41%, 12.41%। ये कितने से कम हो जाएगा? माइनस 12.41%। एनपीवी आपका कितने से माइनस हो जाएगा? अगर आपने इफ यूनिट सोल्ड पर ईयर 2.5% से कम हो गया, तो आपका इनिशियल आउटफ्लो तो सब मीन्स एट ए टाइम एक ही वेरिएबल लेना है, ठीक है। सेल्स आपका कम हो जाएगा 2 पॉइंट, तो आपका वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगा, बराबर। बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट मीन्स व्हाट, बोलो, मार्जिन ने सिखाया था ना, एनी एक्सपेंस विच इज इंक्रीजेज और डिक्रीजेज अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम इज नोन एज दिस। सो दिस 50 आपका ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, एनपीवी आपका ये आ गया, परसेंटेज चेंज इन एनपीवी आपका आ जाएगा फ्रेंड्स 12.41%। दिस इज योर फिफ्थ वेरिएबल, आपको बता दिया, राइट। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कंप्यूट द इम्पैक्ट ऑन प्रोजेक्ट एनपीवी कंसिडरिंग ए 2.5% एडवर्स वेरियंस इन ईच वेरिएबल, विच वेरिएबल इज हैविंग ए मैक्सिमम इफेक्ट। अब देखो, आप जरा चेक कर लो वन बाई वन। अगर आप इनिशियल कॉस्ट को बढ़ाते हो तो आपका क्या आ रहा था, इनिशियल कॉस्ट को बढ़ा रहे थे हम लोग, तो हम लोग का क्या आ रहा था, माइनस इनिशियल कॉस्ट को, फर्स्ट वेरिएबल को बढ़ा रहे थे, इनिशियल कॉस्ट इंक्रीज किया, तो 7.43 से नेगेटिव हो गया हमारा एनपीवी। फिर दूसरा हमने किया, इफ सेलिंग प्राइस को रिड्यूस किया तो एनपीवी हमारा आ गया 24.82% से कम हो गया। थर्ड हमने किया कि अगर वेरिएबल कॉस्ट को इंक्रीज किया तो एनपीवी, कॉस्ट है ना, ये रेवेन्यू है, ये कॉस्ट है, कॉस्ट बढ़ेगा, रेवेन्यू कम होगा, एनपीवी हमारा हो गया 12.41 से कम। फोर्थ, अगर अपना फिक्स्ड कॉस्ट अगर हम बढ़ाते हैं तो हमारा एनपीवी हो जाएगा 2.48 से कम, ठीक है। और अगर हम नंबर ऑफ यूनिट्स अगर कम कर देते हैं सेल, तो एनपीवी पे उसका इफेक्ट आएगा एंड दिस इज 12.41%। द अबव टेबल, ये जो टेबल है ना, वही मॉड्यूल में भी बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन दे रखा है, देख सकते हैं। द अबव टेबल शोज दैट द चेंजिंग वन वेरिएबल एट ए टाइम 2.5% एडवर्स वाइल कीपिंग द अदर कॉन्स्टेंट। अदर आपको कॉन्स्टेंट रखना है एट ए टाइम पे, खाली आप एक ही वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। द अबव table shows that by changing one variable at a time 2.5% adverse while keeping the other constant, the impact in percentage terms on NPV of the project can be calculated. Thus, it can be seen that the change in selling price has the maximum effect on NPV 24.82. सबसे ज़्यादा, सबसे जो worst case है, सबसे बेकार जो case है, वो आपका क्या आएगा, NPV कितने से कम हो जाएगा, 24.82 अगर आपका, तो सबसे मोस्ट जो सेंसिटिव है दैट इज व्हाट योर सेलिंग प्राइस, क्योंकि इस पे सबसे ज्यादा आपका जो इफेक्ट है वो आ रहा है। दिस, ये टेबल को अगर आप देखोगे तो इसमें सबसे ज्यादा आ रहा है। ओके, सो विल कंटिन्यू नेक्स्ट, ठीक है। सेलिंग प्राइस, ये आपका सेलिंग प्राइस अगर आप रिड्यूस करते हो तो एनपीवी पे उसका क्या इफेक्ट आ रहा था,
-24.82, सबसे ज्यादा आपका यहां पे आ रहा है। ओके, और भी प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। यहां तक आप मुझे बताइए, इज दिस क्लियर और नॉट।